ना झाट अगर मेहनत पूरी शिद्दत से की जाए तो पटी पटाई लड़के अब भी पटाई जा सकती है। एक दिन ना बहन जो दशहरे में बहुत दिन बाद बीवी को लेकर घूम रहा था, फिर लौड़ा उसके पति ने देख लिया। हाँ यार, मैं किसी और की बीवी को था गर्लफ्रेंड बनाया, लेकिन ना बहन चोद उसे बहुत मुश्किल से था पटाया। तो ना झाट अगर मेहनत पूरी शिद्दत से की जाए तो पटी पटाई लड़के अब भी पटाई जा सकती है। हाँ लेकिन बहन चोद अगर आप में भी होगा मेरी तरह गुदा तो आप भी पटा सकते हो कोई शादी शुदा। हाँ लेकिन ना बहन चोद किसी को ना इतनी शिद्दत से भी मत चाहो लौड़ा उसका तलाक हो जाए। और मैंने किस लिए, मतलब किस तो लिए, लेकिन शादीशुदा पटाया इसलिए क्योंकि ना झाट मेरा मानना है कि अगर पुरुष 3-4 घंटे योगा और मॉर्निंग वॉक के बजाय किसी सुंदर महिला से 5 मिनट बात कर ले तो उससे ज्यादा स्वस्थ हो सकता है। लेकिन एक दिन ना बहन तो उसके पति ने उसे पकड़ लिया झाट, क्योंकि वो मुझसे करती रहती थी दिन भर मोबाइल में बात। लेकिन मैं ना उससे व्हाट्सएप में चैट था कराता, लेकिन बहनचोद मेरे मोबाइल में ना बहुत ऐड था। देख लेना बहनचोद, एक दिन ना कॉल रिसीव करने के लिए भी ऐड देखना पड़ेगा। छोड़ो बहनचोद, सीधा मैं पॉइंट में आता हूँ, जो कहानी सुनानी है वो मैं बताता हूँ। लेकिन साला बहनचोद पता नहीं क्या हो गई है खता कि लौड़ा मौसम का नहीं आता पता। बहनचोद सुबह नवंबर, दोपहर में अप्रैल और रात में झाट फरवरी का मौसम चल रहा है। लेकिन ना बहनचोद अब लगेगा सब तरफ ठंड का पहरा, क्योंकि आ गया दशहरा, सब घुमाएंगे दशहरे में अपनी बंडी, करने लगी है ठंडी। लेकिन पता नहीं ना बहनचोद की मौसम के ठंडा होते ही पंखों की स्पीड लौड़ा कैसे एकदम तेज हो जाती है, क्योंकि झाट यही पंखा गर्मियों में ऐसे चलती है जैसे कि बहनचोद भांग पी रखी हो। हाँ लेकिन बहनचोद अब ठंडी आ गई है ना, तो आप GST निकाल लो। GST मतलब गद्दा स्वेटर तकिया। हटाओ यार, ठंडी हो या गर्मी सबको तो है गांड मरवाना। लेकिन अभी ना मुझे कुछ जरूरी है आपको बताना। तो देखो, पहले ना मुझे बहुत थी टेंशन, क्योंकि मेरा था किसी लड़की के साथ ऑनलाइन रिलेशन। लेकिन ये भले था ऑनलाइन रिलेशनशिप, पर मुझे तो झाट हो गया था उससे प्यार बहुत ज्यादा डीप। बहनचोद जैसे ना पापा बाइक में बैठकर हैंडल पकड़ते हैं और छोटा बच्चा लौड़ा यही सोच रहा होता है कि बाइक मैं चला रहा हूँ, तो ना लौड़ा ऑनलाइन रिलेशनशिप में पड़े लौंडों का भी यही हाल होता है। इधर बहनचोद मैं ट्रिम करता रह गया बाल झाट के, और वो कुतिया चली गई मेरा काट के। यार मेरा प्यार ना क्या था कमाल, मेरा ना दिल टूटा था, इसलिए मैंने अपने पहले के टीचर को फोन लगा के किया एक सवाल कि सर क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। वो टीचर थे मेरे बहुत करीब, और वैसी टीचर उनको मिलता है जिनका होता है नसीब। मेरे फेल होने पर वो कहते हैं कि जिंदगी में तुम क्या ही कर पाओगे, तुम फेल तो हो गए लेकिन दुनिया वालों को कौन सा मुंह दिखाओगे। मैं कहता सर कौन सा मुंह, इसका जवाब ना सिर्फ रावण के पास था। मैं ना उसके प्यार में खुद को जला के कर देना चाहता था राख, क्योंकि बहनचोद दोस्त तक उड़ा रहे थे मेरा मजाक। दारू पी पी के हो गई थी मेरे पेट में गैस। वो लौंडे ना मुझे भेज रहे थे मैसेज, सुनो लौड़ो, कोई लौंडा अगर सिंगल है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग बहनचोद उसके इनबॉक्स में मैसेज करके लौड़ा अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाओ। उसके बाद ना बहनचोद मैंने अपनी लाइफ में ना दूसरी लड़की लाया, और उसे ना झाट मैंने इंस्टाग्राम से पटाया, और वो ना बहनचोद उसकी तरह दिल नहीं तोड़ती, क्योंकि मैंने ना झाट उसे अपने हर आईडी से आजमाया। फिर भी ना बहनचोद मैं उसे कहता कि यू चिपक चिपक के मुझसे फोटो मत खिंचवाया करो, वरना लौड़ा ब्रेकअप के बाद क्रोप कैसे करोगी। ऐसा बोलने पर ना वो मुझसे जाती थी रूठ,
लेकिन बहनचोद वो भी ना मुझसे बहुत बोलती थी झूठ। इतना कि बहनचोद अगर झूठ बोलने पर चेहरे पे मुहासे होते तो ना लौड़ा उसकी शकल कटहल जैसी होती। मैं ना बहनचोद सेक्स के लिए रहा था मर, इसलिए ना एक दिन रात को चला गया उसके घर। फिर बहनचोद जब मैं उसके ऊपर गया चढ़, तो उसके घर वालों ने लौड़ा लिया हमें पकड़। फिर ना लौड़ा उसके घर वालों ने मुझे पूरी रात मारा और जहाँ सुबह मुझे दामाद बना लिया। बहनचोद क्या इसे ही कहते हैं क्या, सफलता वक्त मांगती है। फिर ना उसके घर वाले अपनी इज्जत ना गंवाने के लिए हमारी दोबारा शादी करवाई समाज को दिखाने के लिए। मैं शादी कर तो रहा था, लेकिन बहनचोद मुझे ये जरूर पता था कि लौड़ा घोड़ी एक मात्र ऐसा जानवर है जिस पर झाट एक बार बैठने पर पूरी जिंदगी भर के लिए गधा बन जाता है। वैसे सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद दुल्हन देती है, लेकिन ना झांट बाकी शादी में बकचोदी मची होती है। जैसे बहनचोद देख लो कि दुल्हन को स्टेज पर लाने वाली लड़कियां ना ऐसे चलती है कि जैसे बहनचोद उसके हर कदम पे लैंड माइंस बिछी होती है और लौड़ा उसके पैर छूते ही वो फट जाएगा। फिर ना बहनचोद शादी में मैं फोटो खिंचवाने के लिए बैठा तो झट मुझे लगा अब फोटोग्राफर बोलेगा स्माइल प्लीज, लेकिन वो बोला पेट अंदर कीजिए। उस टाइम तो बहनचोद चलो था भी मैं खुश, लेकिन शादी के बाद लौड़ा हो गया लूज। पता है झट, औरत और प्रेस को ना स्त्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि लौड़ा इन दोनों का काम टेढ़े मेढ़े को सीधा करना है। हर कोई ना झाट यहाँ ऐसे बोलते हैं कि पति परिवार का हेड होता है, लेकिन बहनचोद सब भूल जाते हैं कि पत्नी भी परिवार का गर्दन होती है और झाट गर्दन जिस तरफ घूमेगा बहनचोद हेड को भी तो उसी तरफ घूमना पड़ेगा। मैं ना बहनचोद उससे शादी करके अपनी किस्मत की ही नहीं थी गांड मार दी, बल्कि झांट उसको भी लगता था कि मैं नहीं हूँ अच्छा पति। तो ना एक दिन मैं उससे बोला कि अगर मैं इतना भी अच्छा पति नहीं हूँ तो तुम क्यों भगवान से बोलती रहती हो कि अगले जन्म में मुझे यही पति चाहिए। तो वो बोली अच्छा मैं बेवकूफ हूँ, इतना तुम्हें सुधारने के बाद किसी और को दे दूंगी। मैं ना जहाँ टेंशन में लगा था जीने, तो पहले तो चाय से काम चल जाता था, लेकिन फिर बहनचोद दारू लगा पीने। पता है यार दारू ना चाय से अच्छी होती है, क्योंकि जहाँ आज तक ना दारू में कभी भी मक्खी नहीं गिरी। अब बहनचोद शादी हो गई है तो दारू अच्छे से जाती है चल, पर ना झांट पता नहीं ये मेरे बाल कैसे रहे हैं झड़। बहनचोद बालों की भी अजीब समस्या होती है ना, जहाँ के बाल रहने चाहिए वहाँ के झड़ जाते हैं और जहाँ के झड़ने चाहिए वहाँ के तो लौड़ा काले मजबूत और बहुत घुंघराले होते हैं। झांट जिंदगी ना हो गई है बेकार और ऊपर से ना ये रिश्तेदार, यार रिश्तेदार जहाँ भी हो ना वहाँ बर्बादी। अभी ना जब मैं ससुराल गया था, जब साली की हो रही थी शादी, सोचा था कि शुभ शुभ होगी अच्छी अच्छी बात, लेकिन लौड़ा रिश्तेदार बकचोदी कर रहे थे मेरे साथ। लौड़ा आप ना कितने भी समझदार बन जाओ, बहनचोद रिश्तेदार के हाथ में पड़ गए ना तो लौड़ा पक्का कुछ न कुछ समझा के ही मानेंगे। चुप जाती है मेरी गांड इनको कुछ बोलने में, और न झांक मेरी बीवी भी शादी के बाद लगी थी ऐसी बातें पहनने में। यार शादीशुदा की बड़ी बहन जब मायके रहने आए तो ना लौड़ा वो छोटी बहन के लिए किसी सास से कम नहीं होती। चलो बहनचोद जिंदगी तो मारती ही रहेगी गांड पे लाभ। यार ठीक है चलो मैं ना बताता हूँ आपको आज की बात। आज ना मैं उठते ही अपने मुंह खोला और अपनी बीवी से बोला कि मोहब्बत बरसा देना तू रावण आया है। यार आज ना दशहरा है तो रावण देखने जाऊंगा एकदम बन ठन के और एकदम मस्त वाली शर्ट पहन के। अच्छा यार वैसे ये चीज पूछना था कि शर्ट पर अगर टी गिर जाए तो उसे टी शर्ट बोलते हैं क्या? खैर मैं अच्छा बन के जाऊंगा, दिखूंगा थोड़ी ऐसे वैसे। और ना दशहरे के लिए ना मैंने निकाल लिए हैं पहले से पैसे, लेकिन न झांट मैं ये सोच कर परेशान हूँ कि ना जब मैं एटीएम से पैसे निकालने गया था तो ना उसकी पर्ची अभी भी मेरे जेब में है। तो ना बहनचोद वो क्या था जो मैंने वहाँ फाड़ कर फेंक दिया।
और ना यार मेरा ना अभी क्रेडिट कार्ड भी खो गया, तो ना मैं सोच रहा हूँ कि रिपोर्ट लिखवाऊँ कि ना लिखवाऊँ, क्योंकि ना झांट वो चोर जो है ना बीवी से ना कम खर्च कर रहा है। चलो झांट कोई दुख नहीं, दशहरा है खुश होने की वजह, पर यार इस बार ना रावण को जला रहे हैं दूसरी जगह। हाँ लेकिन मुझे ना जगह समझ आया जब वो पड़ोसी ने इशारे से बताया। बहनचोद हम लोग ना देश में ट्रैफिक सिग्नल को समझे या ना समझे, लेकिन लौड़ा आंखों के इशारे समझने में सबने PhD कर रखी है। अब देख लो बहनचोद, कहीं भी बोर्ड में अगर अंग्रेजी लिखा है और निशान लगा हुआ है और ना उसमें दुकान का नाम भी नहीं लिखा, फिर भी लौड़ा सब समझ ही जाते हैं। मुझे तो बस है बहनचोद बीवी के साथ दशहरा देखने जाना। मैंने ना दशहरा देखने जाने के लिए अपनी बीवी को किया मना, पर बहनचोद वो कहा मेरी बात है मानती, क्योंकि ना वो ये है अच्छी तरह जानती कि पुरुष ही नहीं रावण देखने जाते बल्कि वहाँ महिलाएं भी हैं आते, और ये तो बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि सब पति ब्लूटूथ की तरह होते हैं, जब पत्नी आसपास हो तो कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन जैसे ही पत्नी आंखों से दूर होती है तो ऑटोमेटिक दूसरी डिवाइस ढूंढने लगते हैं। मैं ना दशहरे में रावण देखने इसलिए जाता हूँ क्योंकि ना मैं ही उसे पीछे से माचिस में आग लगाता हूँ। यार मैंने ना 2 साल ITI में सबसे मुश्किल चीज जो सीखा है वो है बस के ऊपर बैठकर तेज हवाओं में एक तिली में 3 सिगरेट जलाना। तो ना इसलिए वो लोग मुझे बुलाते हैं क्योंकि दशहरे के दिन ना कभी कभी बहुत तेज हवा चल जाते हैं। लेकिन यार एक चीज है कि जैसे ही ना दशहरे में रावण जलता है तो सब लोग ना लौड़ा ऐसे भागते हैं जैसे कि रावण के मर्डर के केस उन पर ही आ जाएगा। मैं ना आज पूरी तरह दशहरा मनाऊंगा और जब रावण पूरी तरह बुझ जाए तभी ही घर जाऊंगा। और काम का क्या टेंशन लेना है यार, क्योंकि कल है रविवार। लेकिन ना बहनचोद रविवार ना चिप्स के पैकेट की तरह होता है, बहनचोद खुलते ही आधा खत्म। ठीक है काम ही में निकाल लेंगे कुछ दिन और टट्टी, लेकिन ना लौड़ा एक चीज है, 3 साल से ना बहनचोद यूक्रेन और रूस बम पे बम फोड़े जा रहा है और अब तो ईरान और इजराइल भी फोड़ेंगे। अब बताओ इनसे ओजोन परत फूटे या पर्यावरण बिगड़े क्या। लेकिन ना बहनचोद अभी 17-18 दिन बाद दिवाली में जैसे ही हम सुतली बम फोड़ेंगे तो ना झाट पूरी पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। अच्छा चलो चलो यार ये वाला स्टेटस डालो, रावण तो सब जलाते हैं लेकिन असली दशहरा वही मनाते हैं जो अपने अंदर की रावण को जलाते हैं।